गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर एवं मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित संभव अभियान का शुभारंभ किया गया। लर्निंग लैब विकास की समीक्षा, मिशन खिलखिलाहट की चर्चा के साथ साथ जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक की गई तथा मिशन खिलखिलाहट के अंतर्गत कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों के अभिभावकों को मुख्य विकास अधिकारी ने सम्मानित भी किया। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कुपोषित बच्चों के प्रबंधन हेतु निर्देशित किए गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी कुपोषित बच्चों को ई कवच पोर्टल पर दर्ज करा उन्हें आवश्यक दवा उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विनय मिश्रा ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वर्ष 2021 से नवाचार के रूप में आयोजित संभव अभियान के अंतर्गत सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन सैम से ग्रसित बच्चों के चिन्हांकन, उपचार, संदर्भन एवं सामुदायिक स्तर पर उनके प्रबंधन के साथ साथ कुपोषण की रोकथाम हेतु सामुदायिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से सैम बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण संवर्धन किया जाता है। विगत 3 वर्षों से संभव अभियान सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है और उसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2024 में भी संभव अभियान का चतुर्थ चरण जुलाई से सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उसमें एक चम्मच घी या तेल मिला देते हैं या उसमें हम सोयाबीन की बड़ी पाउडर बना करके मिला देते हैं, बच्चे का टेस्ट भी बदल जाता है, उसमें प्रोटीन होता है। ये चीजें और बीच बीच में जैसे सर लोग गए थे, सर का भी था, सीडियो सर का भी था या डीडियो सर भी जब जाते थे, मैं ग्रुप में देखता था कि कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ ऐसा करना है। अंडा उसको दे दिया, उसमें प्रोटीन होता है, मूंगफली दे दिया, सोयाबीन दे दिया या जो आंगनबाड़ी से ऐसी जैसे पोषाहार मिलता है इसी का रेसिपी उसको बना करके बता दिया जाए तो हमें लगता है अच्छा अचीवमेंट एक हो सकता है। और एक उसके ये उदाहरण है, 3 से 4 महीने का ये प्रयास है कि किस तरह का अचीवमेंट एक ये है। दूसरा और बच्ची नहीं आ पाई है लेकिन एक जो डीपीओ सर ने दिया था इसका भी अगर देखें किस तरह का है। बहुत सही हो गई है, बहुत कमजोर थी, हर हफ्ते हर महीने लाकर देते थे। 10 किलो तो गुड आफ्टरनून, पहले मेरी बच्ची 7 किलो की थी, इस समय वो 12 किलो की हो गई है। हमारे बच्चे को गोद दिया, पोषाहार, दाल, केला, फल फूल दिया और हर 15 दिन 1 महीने पे जांच करने आते थे। सुपरवाइजर मैम हर हफ्ते आती थी जांच करने और इन लोगों के आधार से बच्चा हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया।